सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आर्निका मोंटाना मेडिसिन के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए। आज हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। उस पार्ट में मैंने आपको बताया था उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। आज मैं यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन पे क्या इफेक्ट रहते हैं आर्निका मोंटाना के, क्या सिम्टम्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आर्निका एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जो कई सारी प्रॉब्लम में यूज होती है। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे। सबसे पहले मेडिसिन के बारे में बात करें हम यहाँ पे माइंड सिम्टम। माइंड सिम्टम में पेशेंट को ये सिम्टम रहता है कि जितने भी एक्टिव वर्क हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, मेंटली अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, पेशेंट वो ठीक से नहीं कर पाता है। अकेला रहने का मन करता है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस टाइप का रहता है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द पेन रहता है। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें, सबसे पहले हेड पर आते हैं, सिर में। हेड का सिम्टम है मैनिंजाइटिस। मैनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होने पर, साथ ही साथ वर्टिगो, चक्कर आने की प्रॉब्लम होने पर, पेशेंट जब आँख बंद करता है तो ऐसा लगता है सारी चीज़ें घूम रही हैं। जैसे ही वो किसी भी तरफ देखता है या चलने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है सारी चीज़ें चल रही हैं, घूम रही हैं, तो चक्कर बहुत तेज से आना, ये इसके हेड के सिम्टम हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोज। किसी तरह का आपको एपिस्टेक्सिस यानी नाक से ब्लीडिंग होना, खून निकलना। कभी कभी आपने देखा होगा अक्सर लोगों को गर्मी बढ़ जाती है और नाक से खून आने लगता है, या आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, इंजुरी हो गई, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाना। तो एपिस्टेक्सिस का प्रॉब्लम, नाक से आपका ब्लड निकलना, इस कंडीशन में भी आर्निका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट है आपके आई के सिम्टम, रेटिनल हीमरेज। आपकी आंखों में किसी भी वजह से चोट लग जाए, आप देखिए कभी कभी आंखों के अंदर कुछ रेड रेड सा स्पॉट आ जाता है, गिरने की वजह से आ सकता है, किसी भी प्रकार की इंजुरी की वजह से आ सकता है, तो यहाँ पर आप आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं इसके ईयर यानी कान के सिम्टम के बारे में। ईयर में आपको टिनाइटस की प्रॉब्लम, खास तौर पे क्रॉनिक इंजुरी की वजह से, कभी एक्सीडेंट हो गया हो, कभी कोई चोट लग गई हो सिर में या कान में, उसकी वजह से कान से ब्लड आ जाए और साथ ही साथ सुनने में तकलीफ यानी आपका हियरिंग लॉस हो जाए, इस कंडीशन में आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। फेस के सिम्टम है, आपको अगर फेस में हर्पीज हुआ है, पेनफुल इरप्शंस हैं, तो आप आर्निका का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके माउथ के सिम्टम में। जब हम कभी अपना दांत उखड़वाने जाते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन, तो टूथ एक्सट्रैक्शन के समय जो पेन रहता है, जो ब्लीडिंग रहती है, उसमें आर्निका बहुत अच्छा वर्क करती है। दांतों से बदबू आना, हैलिटोसिस की प्रॉब्लम, इसमें भी आप आर्निका का मदर टिंचर से गार्गल कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको दांतों की बदबू से भी छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, नेक्स्ट है इसका स्टमक सिम्टम। स्टमक में यदि आपको किसी भी तरह का पेन रहता है, आपको ब्लड मिक्स्ड वॉमिटिंग हो रही है, हिमोप्टेसिस की प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही साथ आप मिल्क, मीट, ये सब चीज़ें नहीं पचा पाते हैं, तो यहाँ पर आर्निका का सेवन उपयोगी साबित हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके रेस्पिरेटरी यानी आपके रेस्पिरेटरी लंग्स के सिम्टम के बारे में। निमोनिया की प्रॉब्लम होना, प्लूरोडाइनिया यानी चेस्ट पेन होना, आपके सीने में दर्द होना, निमोनिया की प्रॉब्लम होना, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस यानी अभी किसी वजह से आपको टॉन्सिल्स फूल गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, डिस्निया की प्रॉब्लम, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है प्लस सीने में दर्द कर रहा है, तो इस कंडीशन में आर्निका का सेवन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसके हार्ट के सिम्टम, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट में आपको दर्द हो रहा है, एंजाइना की प्रॉब्लम आ रही है, खासतौर पर लेफ्ट एल्बो यानी बाएं हाथ का आपका कोहनी में दर्द जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो एंजाइना पेक्टोरिस के पेन में लेफ्ट साइड एल्बो में जो दर्द जा रहा है उसमें आप आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है यूरिनरी, यानी आपका जो मूत्राशय है उसमें क्या सिम्टम है, यूरिनरी ब्लैडर में आप कभी कभी देखिएगा आपको इन्फेक्शन हो जाता है, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है ना, यूटीआई की प्रॉब्लम, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम यानी सूजन आ गई है यूरिनरी ब्लैडर में। और जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो एक तो रिटेंशन होता है, पूरी तरह से यूरिन खुल के नहीं हो पाता है, दूसरा जब आप यूरिन करते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, डिस्यूरिया की प्रॉब्लम। इस कंडीशन में भी आर्निका बहुत अच्छा वर्क करती है। अब आ जाते हैं फीमेल के ऊपर, लेबर के समय जब आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो जो पार्ट होते हैं कभी कभी वहाँ पे चूंकि आपने लेबर पेन है उस समय बहुत ज़्यादा एग्जर्शन रहता है तो कई बार की उस पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता, पेन रहने लगता है, तो यहाँ पे इस पेन ब्रूस्ड फीलिंग में भी आर्निका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, आप आर्निका का सेवन कर सकती हैं। नेक्स्ट हम सिम्टम पे आते हैं इसके एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ पैर के सिम्टम, तो गठिया गाउट की प्रॉब्लम, असेंडिंग रूमेटिज्म ऊपर की तरफ बढ़ने वाला रूमेटिज्म की प्रॉब्लम, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है किसी ने पीटा हो, जैसे कोई बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो, किसी भी चीज़ पे लेट रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है, तो सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ पीटन, यानी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर का जोर जोर दुख रहा है जैसे किसी ने खूब मारा हो, तो गठिया का प्रॉब्लम, रूमेटिज की प्रॉब्लम, आपको इसमें आर्निका का सेवन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आपका सिम्टम है स्किन की बात कर लें, शरीर में इरप्शंस, छोटे 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 दाने निकलना, फेस में हर्पीज हो जाना, या आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, तो इन कंडीशन में भी आपको जहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा फुंसियाँ इकट्ठे निकलती एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी निकल रही हूँ, तो इन कंडीशन में भी आप आर्निका का सेवन कर सकते हैं। बेड सोर की प्रॉब्लम, बेड सोर की प्रॉब्लम, ठीक से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, पेनफुल है, बर्निंग हो रही है, स्टिंगिंग पेन है, उसमें भी आर्निका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, एज अ ब्लड प्यूरीफायर यहाँ पे वर्क करती है, और आपको वहाँ पे जो रेडनेस है, ब्लूनेस, नील नील पड़ गया है, पेनफुल है, उन सब कंडीशन से भी निजात दिलाती है। फीवर में भी आपको कभी कभी लगता है कि जैसे बुखार चढ़ रहा हो, उसमें भी आपको हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हम उसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट सिम्टम एक्सटर्नल अप्लाई में, एक्सटर्नल अप्लाई में आर्निका का आप ऑइंटमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, अगर आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है तो इसके ऑइंटमेंट आते हैं एक्सटर्नली आप लगा सकते हैं। लगाते वक्त ये सावधानी रखनी है कि हमें कटे फटे स्थान पर यानी जहाँ से ब्लड निकल रहा है, कट गया है, ऐसे स्थान पर आर्निका हेल्पफुल नहीं है, ऐसे स्थान पर जहाँ पर ब्रूस्ड इंजुरी है, जैसे कि आप समझ रहे हैं जैसे कि अंदर की तरफ से आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि रूमेटिज्म में होता है, गाउट में होता है, ठीक है, कहीं पे गिर जाते हैं तो नील पड़ जाता है, ऐसे स्थानों के दर्द में आप आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कट लग गया है, ब्लड निकल रहा है, उन स्थानों पे आर्निका को एक्सटर्नल अप्लाई नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों हेयर फॉल में अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आर्निका इंटरनली और एज वेल एज एक्सटर्नली भी यूज किया जाता है, तो ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आप इसे एक्सटर्नल अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एग्रावेशन और एम्ब्यूरेशन के बारे में, तो आपको मोशन से, टच से, चोट लगने से आपकी सारी तकलीफें स्टार्ट होती है, और पेशेंट अगर आराम करता है तो उसको रिलीफ मिलता है सारी कंप्लेंट्स में। तो दोस्तों ये तो थे आर्निका मोंटाना के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स, मैंने आज आपको स्पेसिफिक एक एक बॉडी के पार्ट्स के साथ ही लेकर बताया हुआ है। जनरल सिम्टम्स जो इसके गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़ी थी इसलिए दो पार्ट में मुझे बनानी पड़ी है, तो आप देख लेंगे, तो दोनों पार्ट अगर देखेंगे तो आपको मेडिसिन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपकी कोई स्पेसिफिक रेमेडी हो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, तो हम जल्दी उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।